नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रदेश में हुई गतिविधियों की, साथ ही देंगे कुछ अन्य जानकारियां भी। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने 1 अगस्त से 7 अगस्त तक संचालित होने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह का ग्वालियर में ऑनलाइन शुभारंभ किया। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी ने अपने शासकीय निवास पर शनिवार को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ करते हुए विभाग के अधिकारी व कर्मचारी तथा सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि जन्म के 1 घंटे के तत्काल बाद एवं 6 माह तक शिशु के लिए माँ का दूध अमृत है। माँ का दूध बच्चों को जीवन भर दवा का काम करता है। श्रीमती इमरती देवी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी सहित महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका तथा पर्यवेक्षक द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में एवं जन जागरूक करने में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर अपनी जिम्मेदारी का बेहतर निर्वहन किया गया। इसी प्रकार लगन एवं मेहनत के साथ 7 अगस्त तक संचालित होने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह के संबंध में विभाग का मैदानी अमला घर घर जाकर महिलाओं को जानकारी दे तथा शिशु को मां के दूध के महत्व को बताएं और माताओं को अपने शिशु को जन्म से 6 माह तक मां का दूध पिलाने हेतु प्रेरित करें। सप्ताह के शुभारंभ कार्यक्रम के पूर्व महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक श्रीमती स्वाति मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 अगस्त से शुरू हुए विश्व स्तनपान सप्ताह में संचालित होने वाली गतिविधियों की जानकारी देते हुए विभाग से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान ग्वालियर में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी राजीव सिंह भी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी कार्यक्रम में जनवरी से जून तक की रेटिंग में दमोह जिले को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों और उपलब्धियों पर पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस बारे में बता रहे हैं हमारे दमोह संवाददाता। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी कार्यक्रम में जनवरी से जून तक की रेटिंग में दमोह जिले को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों तथा उपलब्धियों पर पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम में देश के 112 जिलों में से मध्य प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। नीति आयोग के दिशा निर्देशों के तहत जिले में 700 से अधिक ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल में पुनः जोड़ा गया, साथ ही 151 डेमो शालाओं का चयन कर इनमें नवाचार को प्रमुखता से बढ़ावा दिया गया। बाला कार्य के अंतर्गत शाला के परिसरों को आकर्षक एवं रुचिकर बनाया गया, जिससे बच्चों के शैक्षणिक अधिगम में बढ़ोतरी हो, साथ ही संपूर्ण परिसर का वातावरण अकादमिक बना रहे। कलेक्टर तरुण राठी ने जिले की उस उपलब्धि पर शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बाला कार्य और बोरो ऐप जैसे नवाचार ने दमोह को यह उपलब्धि दिलाई है। नीति आयोग ने जो अभी रैंकिंग जारी की है उसमें जिले का शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारे आकांक्षी जिले हैं उनमें दमोह जिले का प्रथम स्थान आया है। और ये हम सब जो हमारे शिक्षक गण हैं उनके प्रयासों का ये परिणाम है। और ख़ास करके जो कुछ इंटरवेंशन जिले में हुए, जैसे बोलो ऐप के माध्यम से जो शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए यहाँ पर काम किया गया, और इसके साथ ही बाला पेंटिंग के माध्यम से हमने स्कूलों को अच्छा बनाया, आकर्षक बनाया, जिससे बच्चों को पढ़ने में मन लगा। तो ये सब कुछ कारण रहे हैं जिसके कारण से हमारा जिला आज आकांक्षी जिलों में सर्वोच्च स्थान पर रहा है। तो मैं शिक्षकों को बधाई देता हूँ इस उपयुक्त कार्य के लिए और आशा करूँगा कि ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे तो आगे चल के हमारा जिला इस रैंकिंग पर बना रहेगा। जिले में बोलो ऐप को 50,000 से अधिक अभिभावकों और शिक्षकों ने डाउनलोड किया हुआ है। गूगल से प्राप्त रिपोर्ट की माने तो जिले में 2.5 करोड़ से ज्यादा शब्द वाक्य बच्चों द्वारा सही तरीके से उच्चारित कर पढ़े गए हैं। इस उपलब्धि से उत्साहित जिला शिक्षा अधिकारी पीपी सिंह ने कहा कि अब हम और उत्साह से काम करेंगे ताकि यह उपलब्धि कायम रहे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। आज रक्षाबंधन का पर्व प्रदेश भर में मनाया गया। इस मौके पर बैतूल जिले के आदिवासी बच्चों ने पेड़ों को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिले के आदिवासी बच्चों ने रक्षाबंधन के मौके पर एक अनोखा नवाचार कर पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया है। इन बच्चों ने 30 फीट की राखी बनाकर पेड़ों को बांधकर पर्यावरण की सुरक्षा का संकल्प लिया है। पर्यावरण को बचाने के लिए हर साल गाँव में पेड़ों को राखी बांधकर इनकी सुरक्षा का संकल्प लेने वाले इन बच्चों ने इस बार 30 फीट की राखी बनाकर पेड़ों को बांधी। बैतूल जिले के आदिवासी ग्राम सिमोरी में बच्चों ने 5 दिनों में पेड़ों को राखी बांधने के लिए 30 फीट की राखी बनाई। राखी में हस्तकला का प्रयोग कर इसे आकर्षक बनाया गया है। शिक्षिका ममता गोहर ने बताया कि राखी यूं तो भाई बहन के अटूट प्रेम के बंधन का त्यौहार माना जाता है, लेकिन पेड़ पौधों की सुरक्षा का भी दायित्व हमारा ही है, इसलिए बच्चों ने पेड़ पौधों को अपना भाई मानकर राखी बांधी है। गांव की शांति ध्रुवे, शिवा बेले, प्रीति वरकड़े, तृतीय सलोनी वरकड़े ने राखी बनाने के लिए शिक्षकों से प्रशिक्षण लिया। बच्चों ने बताया कि पर्यावरण हम सबके लिए जरूरी है, हमें आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा बनाना होगा। 1 अगस्त से 4 दिन के लॉकडाउन शुरू होने के कारण 31 जुलाई को पेड़ों पर राखी बांधने का कार्यक्रम किया गया। गत 1998 से प्रतिवर्ष इस आयोजन को कराने वाले शैलेंद्र बिहारिया ने बताया कि पेड़ों को राखी बांधने के साथ इनकी सुरक्षा का भाव मन में पैदा होता है और पर्यावरण की रक्षा का भी एक संकल्प पूरा होता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। धार जिले में इस साल बारिश का लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं, साथ ही बारिश न होने से किसानों की भी चिंता बढ़ गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार जिले में अभी भी झमाझम वर्षा की दरकार है, क्योंकि जिले में इस वर्ष खंड वर्षा होने से आम जनों व किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक लगभग 4 इंच वर्षा कम हुई है। इस वर्ष अब तक 300 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इस समय तक वर्षा का आंकड़ा 400 मिलीमीटर को पार कर गया था। इस कारण अभी भी तालाब और कुएं रीते हैं, वहीं किसान भी चिंतित हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष जिले में 5,14,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक में खरीफ फसलें आच्छादित की गई हैं, जिसमें आधे से अधिक रकबे में सोयाबीन की बोनी और शेष क्षेत्र में कपास, मक्का आदि अन्य फसलों की बोनी की गई है। वर्षा की कमी को लेकर कृषि अधिकारियों व वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल किसानों को इस मौसम से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खंड वर्षा और मौसम में नमी के चलते आगामी 1 सप्ताह तक फसलों को नुकसान होने की संभावना नहीं है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। मंडला जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले के कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों को इस श्रेणी से बाहर लाने के लिए सेम फ्री मंडला अभियान शुरू किया गया है। इस बारे में बता रहे हैं हमारे मंडला संवाददाता। महिला बाल विकास विभाग द्वारा जिले के कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण की श्रेणी से बाहर लाने के लिए सेम फ्री मंडला अभियान का प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत जिले के चिन्हित अति कुपोषित बच्चों को पोषण आहार प्रदान कर उनके स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाया जाएगा। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट परिसर से सेम फ्री मंडला अभियान के बारे में जागरूकता प्रसारित करने वाले रथ को कलेक्टर, SP, जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सेम फ्री मंडला अभियान के शुभारंभ के अवसर पर कुपोषित बच्चों को कुपोषण की श्रेणी से बाहर लाने के लिए पोषण आहार के रूप में मिक्स अनाज पंजीरी का वितरण भी किया गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पोषण आहार से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। जिले में कुपोषण को खत्म करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा चिन्हित कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाने में सहयोग करने के लिए उन्हें गोद भी लिया जा रहा है। अब तक 100 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कुपोषित बच्चों को गोद लिया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि कोई व्यक्ति या संस्था स्वेच्छा से कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उन्हें स्वस्थ करने तक की प्रक्रिया में आर्थिक रूप से सहयोग कर सकता है। उन्होंने बताया कि कुपोषित बच्चों को प्रतिदिन विशेष पोषण आहार प्रदान किया जाएगा तथा स्थानीय आंगनवाड़ी एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उनके स्वास्थ्य स्तर पर निगरानी की जाएगी। मंडला से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं शशांक चौबे। उमरिया जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में एक मास्क अनेक जिंदगी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे उमरिया संवाददाता। आदिवासी बाहुल उमरिया जिले में कोरोना संक्रमण प्रभावितों की संख्या 45 रही है। वहीं अब तक 2 की मौत होने के साथ 31 स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं। जिले में शनिवार को एक मास्क
अनेक जिंदगी कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका क्षेत्र उमरिया पाली चंदिया में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के मार्गदर्शन पर किया गया और मास्क वितरण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ मास्क लगाना कितना जरूरी है इसको बताने का प्रयास नगर के चौराहों और गलियों में किया गया और एक मास्क अनेक जिंदगी का महत्व समझाने का भरसक प्रयत्न किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया है कि जिले में इस समय कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया व डेंगू की रोकथाम को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में इस समय कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया व डेंगू की रोकथाम को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मलेरिया व डेंगू से बचाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इस समय स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा संकल्प अभियान संचालित है। इसमें आशा कार्यकर्ताओं को मलेरिया की रोकथाम को लेकर जानकारी दी जा रही है, साथ ही मलेरिया किट भी दी जा रही है। जिले के पिछोर व खनियादाना ब्लॉक के 60 प्रभावित गांवों में आशा कार्यकर्ताओं के साथ मलेरिया व डेंगू मुक्त बनाने का संकल्प ग्रामीणों को दिलाया जा रहा है। इस अभियान में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व मास्क पहनने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। गुना जिले में 1 से 14 अगस्त तक किल कोरोना अभियान 2 चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी ने जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम से बात की। जैसा कि आपको विदित है, हम कोरोना से संक्रमण के खिलाफ लड़ाई पिछले 4 माह से लड़ रहे हैं और आप सबके सहयोग से हम इसमें काफी हद तक सफल भी हैं, परंतु जो आगामी समय है वो थोड़ा कठिन है। इसलिए राज्य शासन ने किल कोरोना पार्ट 2 के नाम से एक नया अभियान 1 अगस्त से शुरू किया है, जो 1 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगा। यह मुख्य रूप से जन जागरण का अभियान है, लोगों को जागरूक करने का अभियान है, आम जन को कोरोना से खतरे के बारे में बताने का अभियान है। और इसका उद्देश्य यह है कि लोग बिना किसी हिचक के और 100% लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ की जगहों पे जाने से बचें। इसके लिए हमारा यह आग्रह है कि आप लोग इसका कड़ाई से पालन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह अनुरोध किया है कि सामाजिक कार्यक्रमों पे अब रोक है, किसी भी तरह का ये कोई शिलान्यास या उद्घाटन नहीं होगा फिजिकल तौर पे। हम आगामी 2 सप्ताह में पूरे जिले में तहसील स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, जनपद पंचायत के स्तर पे लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाएंगे और इसमें हम समाज के हर वर्ग की मदद लेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान चलाएंगे। हमारी सभी स्टेक होल्डर से अनुरोध है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें और जब हम लोगों को पूरी तरह जागरूक कर पाएंगे तभी हम इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख एवं वाचन स्वर दीपा सिंह, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा, दीपा सिंह, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।